गाइस कुनी किचन रेसिपी को आप लोगों को स्वागत कर रहा हूँ। आज मैं टमाटर राइस बनाना जा रहा हूँ। मेरा वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन क्लिक कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अभी मैं गैस में कुकर डाल दिया हूँ। अभी कुकर में मैं 5 स्पून ऑयल देता हूँ, क्योंकि टमाटर राइस में थोड़ा सा ऑयल चाहता है, इसलिए मैं ऑयल ले लिया हूँ। अभी 3 तेज़पत्ता मैं डालती हूँ, ठीक है। उसका ऊपर दालचीनी थोड़ा सा डाल देती हूँ। बाद में 3 इलायची डालती हूँ। अभी 2 लौंग डाल देती हूँ मैं। अभी ये पान मधुरी है, इसको भी थोड़ा सा डालती हूँ। और डालने का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। डालने के बाद मैं 2 ऑनियन कटिंग कर रखा था, उसको भी मैं डाल के मिक्स कर देती हूँ। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है तब। अभी मैं टमाटर और करी लीव्स रखा था, उसको भी मैं डाल देती हूँ। डाल के अभी मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। देखिए मिक्स कर देता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा उसका ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, क्योंकि नमक डालने को टमाटर वो अनियन जल्दी बॉईल हो जाएगा, इसलिए मैं नमक डाल दी हूँ। देखिए ये हो चुकी है। अभी मैं उसका ऊपर अदरक लहसुन का पेस्ट में 1 स्पून डाला, उसको अभी मिक्स कर देता हूँ। मिक्स होने के बाद मैं 1 स्पून मिर्ची पाउडर डालूँगी। आप लोगों को आप लोगों का हिसाब से आप लोग कितना तीखा चाहिए वो डाल सकता है। देखिए मैं 1 स्पून मिर्ची पाउडर डालूँगा, आप लोगों को कितना चाहिए आप डाल सकते हैं। अभी मैं गरम मसाला डाल दिया हूँ। डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देता हूँ ऑयल ऊपर आने तक। देखिए ऑयल वो ऊपर आ चुकी है। अभी मैं उसका ऊपर ग्रीन पीस डालती हूँ। आपका पास ग्रीन पीस है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं डाल सकते। मेरा पास था इसलिए मैं डाल दिया हूँ। अभी इसको मैं मिक्स कर देता हूँ अच्छे से। ये बहुत इजी प्रोसेस में है, बहुत जल्दी कम से कम 15 मिनट्स में हो जाता है। मैं बहुत इजी प्रोसेस में आप लोगों को खाना बनाना सिखाता हूँ, क्योंकि मुझे बाहर का काम घर का काम दोनों देखना पड़ता है। इसलिए अभी मैं 2 ग्लास राइस यहाँ पर रखा हूँ। अभी मैं उसको उसका ऊपर डालती हूँ राइस 2 ग्लास में लिया था। अभी देखिए उसका ऊपर मैं 2 ग्लास राइस डाल दिया। अभी मैं उसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। देखिए बहुत ईजी है, आप लोग किधर जाना है तो आप भी ऐसे जल्दी बना के जा सकते हैं। मैं अभी मैं हल्दी पाउडर थोड़ा सा डालती हूँ। मैं मसाला में डालने के लिए भूल गया था, अभी मैं डाल देता हूँ। आप लोग मसाला में भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं। अभी मैं इसको मिक्स कर देता हूँ। मैं 2 ग्लास राइस लिया था, इसलिए मैं 4 ग्लास पानी यहाँ पर देता हूँ। देखिए मैं 4 ग्लास पानी ले गया हूँ, उसको मैं अच्छे से मिक्स कर देता हूँ। अभी मिक्स होने के बाद मैं 2 ग्लास राइस लिया था, उसका ऊपर मेरे को 1 लींबू चाहिए थोड़ा सा खट्टापन के लिए। मैं उसका ऊपर लींबू देना है। अभी मैं 1 स्पून नमक डाला था, अभी 1 स्पून नमक डाल दिया हूँ। अभी मैं उसमें 1 लेमन डालती हूँ। लेमन डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर देता हूँ। देखिए मेरा वीडियो कैसे लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। मैं शायद डेली एक रेसिपी लेके आप लोग के लिए आऊँगी, बहुत इजी में, जो आप लोग बना के खा सकते हैं। किधर जाएगा तो आने के बाद ऐसे बना सकते हैं। अभी उसको मैं कवर कर देता हूँ। 2 सीटी आने तक मैं इसको छोड़ती हूँ। 2 सीटी होने के बाद हमारा राइस रेडी हो जाता है। देखिए अभी 1 सीटी हो गया है। अभी 2 सीटी ऑलरेडी हो चुकी है। अभी मैं गैस बंद कर दी हूँ। अभी मैं उसको करता हूँ हुआ कि नहीं। अभी देखिए मैं अभी ओपन करता हूँ। ओपन होने के बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में भी बहुत टेस्ट लगता है। दही के साथ खाने में नहीं तो मूंगफल का चटनी, कोकोनट का चटनी, किसके साथ भी आप लोग खा सकते हैं। खाने में बहुत टेस्ट लगता है। हम लोग किधर बाहर जाएगा तो जल्दी आके कुछ बनाने को नहीं होता था, हम लोग इसको बना के भी खा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एक बार इसे बनाओ खाओ और मुझे कमेंट में बताओ कैसे लग रहा है, और मेरा वीडियो कैसे लग रहा है मुझे प्लीज़ कमेंट में बताओ। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।